डॉक्टर लक्ष्मण, आप इसको किस नजर से देखते हैं, ये जो राजनीतिक जमात की जो चुप्पी है, इसको क्या आप मान के चले कि एक सहमति बन गई है कि हमें हिंदू वोटर कुछ भी है उसको नाराज नहीं करना है, भले ही मुस्लिम वोटर नाराज हो जाए, क्योंकि मुस्लिम वोटर के साथ अगर हम खड़े होंगे तो हम 80% जनता का समर्थन खो देंगे, ये समझ है? या दरअसल आज की तारीख में बहुत छोटे छोटे नेता हो गए? बिल्कुल आशुतोष जी, ये बहुत गंभीर सवाल है कि इसे किस नजर से देखा जाना चाहिए। दोनों दोनों सवाल के मतलब पहलू को अगर देखें तो मैं दोनों से कमोबेश सहमत हूँ। पहली बात ये कि राजनेताओं की भूमिका जो उनका कद था यह निश्चित तौर पर घटा है, और मैं इसे किस अर्थ में कह रहा हूँ, ये मेरा कहना है कि जो नैतिक ताकत होता, हालांकि नैतिक जैसा राजनीति में कुछ बचा नहीं है, पहले कुछ चीजें जो पर्दे के पीछे हुआ करती थी वो अब खुले आम होती थी और उस पर अब कोई लाग लपेट नहीं है। इस अर्थ में भी कहें तो एक न्यूनतम नैतिकता जो बची रहती थी, जिस संविधान की शपथ आप लेते हैं कि राग और द्वेष से कोई काम आप नहीं करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे नीति बनाने और संचालन करने में, मुझे लगता है वो निष्पक्षता कहीं अब खो सी गई है। राजनेता अब उस नैतिक साहस को दिखाने में नाकामयाब है। दूसरा पक्ष इसका आशुतोष जी ये है कि असल में पूरी नेताओं की एक वैचारिक लड़ाई, आरएसएस और उसका एक राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी, यह अपने विचारधारा पर काम कर रहे हैं। उनके उनके लोग दंगे के वक्त भी खुले हम कहते हैं कि अगले 15 साल में हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। अब ये कोई लाग लपेट की बात नहीं रही, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के तमाम लोग लगातार इसकी बात कर रहे हैं कि दूसरी दिशा में बैठ। पहलू ये है कि वो अपने विचारधारा पर कायम है, लेकिन उनके प्रतिपक्ष में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी विचारधाराओं को तिलांजलि दे दी। उसमें फिर आपके सवाल का वो मौजू बिल्कुल सटीक जुड़ता है कि उनके मन में, सभी विपक्षी दलों के मन में ये है कि मेजोरिटी हिंदू जो है, अगर हम इस आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ स्टैंड लेते हैं तो जो मेजोरिटी हिंदू है वो हमसे नाराज होगा। अब मेरा सवाल ये है, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेकर के बात करूं तो ये मेजोरिटी हिंदू तो अल्टीमेटली फिर वापस गया बीजेपी की तरफ। तो आपने भले ही त्रिशूल पकड़ा हो, आपने भले ही परशुराम का फरसा पकड़ा हो, तो आपने विचारधारा से तो अपने समझौता कर लिया, लेकिन अंततः हासिल आपको कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये एक वैचारिक लूप होल कायम हो चुका है, कांग्रेस अपने विचारधारा पर कायम नहीं हो पा रही है, ये राजनेता अब सीधे मुसलमान का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। आप किसी ऐसे राजनेता का ट्वीट आप देखिए कि जिसमें ये आपको नहीं कहा जाएगा कि राम के नाम पर जो दंगा हो रहा है, वो दंगा वो जो रामनवमी की यात्रा निकल रही है उसमें तलवार का क्या काम है। तो ये जो मेजोरिटी हिंदूपन है, मैं पिछली बार भी आशुतोष जी सवाल उठाया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इससे हिंदू हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत क्यों नहीं हो, ये मेरा सवाल है। उसी तरह से राम के नाम पर अगर ये सब हो रहा है तो ये मेजोरिटी हिंदू के हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, और सियासतदानों पर ये लग रहा है कि अब ये डरे हुए हैं और डर के बीजेपी और आरएसएस का कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो आप डरेंगे तो वो और डराएंगे, वो हावी होकर अपने विचारधारा लागू कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल चैलेंज देना होगा, फिलोसफिकल चैलेंज देना होगा, जिसमें दिल्ली की सरकार और देश के तमाम विपक्षी दल नाकामयाब होते हुए दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी, ये जो बात अभी हरि कुमार जी कह रहे थे, क्या बहुत एग्जेजरेटेड नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है क्या? बहुत मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कहा जा रहा था कि उनके अंदर एक पूर्वाग्रह है मुस्लिम समाज को लेकर, तो उत्तर प्रदेश में पीएससी के बारे में कहा जाता था पूरी तरीके से कम्युनलाइज हो चुकी, और आज से नहीं, आज से 25 साल पहले 30 साल पहले की बात है जब उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का शासन हुआ करता था, जो सेकुलर पार्टी मानी जाती थी। और ये बात बिल्कुल सच है कि 8 राज्यों में दंगा हुआ, लेकिन मरने वालों की संख्या सिर्फ 3, और पहले एक ही दंगे में हजारों लोगों की मौत हो जाती थी। तो क्या हम लोग बीजेपी को या आरएसएस को जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि खास तरीके का नैरेटिव हमको सूट करता है, या चूंकि इस वक्त ये केंद्र के अंदर उनकी सरकार इसलिए इस बात को कहते हैं, या वाकई में कोई बहुत बुनियादी बदलाव आया है? नहीं आशुतोष जी, मुझे लगता है कि क्या इस आपके सवाल को क्या इस तरह देख सकते हैं क्या कि जब बीजेपी या आरएसएस के लोग कहीं पावर में नहीं होते हैं तो उनका व्यवहार पब्लिक के बीच कुछ अलग होता है, और जब वो पावर में होते हैं तो उनका व्यवहार अलग होता है। मसलन उत्तर प्रदेश में देखें,
उत्तर प्रदेश में मुझे याद आ रहा है जहां तक मायावती जी की सरकार थी, भाजपा के गठबंधन से चल रही थी, और उस जमाने में मथुरा के आसपास शायद 84 कोस की परिक्रमा को लेकर के एक विवाद हुआ, जिस समय मुस्लिमों का भी एक त्योहार था और इनका भी त्योहार था, और उस बीच में क्लैश हुआ और मायावती ने कहा कि ये यात्रा निकलेगी तो दंगे जैसा माहौल बनेगा, और नहीं नहीं यात्रा निकालने दी, उन्होंने आदेश दिया कि ये मत करिए। अखिलेश की सरकार में दोबारा ये हुआ और इसको बीजेपी ने इस तरह से प्रोपोगेट किया कि ये समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है। ये करना विपक्ष में रह करके उनके लिए आसान होता है और वो हिंसा के किसी भी अति तक जा सकते हैं, इसलिए शायद ऐसा हो रहा हो कि पहले जो दंगे होते रहे हो वो बहुत अलग प्रकृति के रहे हों, और जब अब वो सत्ता में है तब मुझे लगता है कि वो ये काम करना चाह रहे हैं कि जो सेंटीमेंट सीधे वो 80-20 का नारा देकर जब चुनाव जीत रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस क्यों लो होगा, फिर तो वो क्लियर कट 80% लोगों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उन्हें मैसेज देना चाहते हैं कि तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हम ही कर रहे हैं, तो इसलिए वो एक तनाव का माहौल बनाए रखना चाहते हैं, और उस तनाव के माहौल में विलन हमेशा मुसलमान बना रहे। अब एक दूसरा पक्ष इसका एक ये भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं और करना भी चाहिए, उसकी भूमिका संदेहास्पद हो सकती है, लेकिन पुलिस, जुडिशरी, मीडिया, अगर इन तीन सेगमेंट को देखें तो एक गहरा प्रश्न चिन्ह इस समय खड़ा हो रहा है आशुतोष जी, कि जिन्हें कमोबेश तटस्थ होना था, भले ही सैद्धांतिक तौर पर ही सही, संविधान तो ये कहता है कि सैद्धांतिक तौर पर पुलिस की भूमिका, प्रशासन और मीडिया की भूमिका और जुडिशरी की भूमिका ऐसी है कि वो निष्पक्ष होकर के काम करेगा, लेकिन फिलहाल हम ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि इन तीनों की नजर में भी विलन मुसलमान साबित हो चुका है, इसलिए वो जो जो इस समय प्रारूप है पूरी हिंसा का वो बहुत अलग प्रकृति का है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हो रहा है, जो शायद उनकी विचारधारा के लिए बहुत सूट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे माहौल को देख करके। बट लेकिन लक्ष्मण जी, क्या हम लोग एकांगी नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अगर आप कश्मीर का सवाल देखें तो वहां पे आतंकवाद है, उसके बाद आप लगातार 2003-4-5 के बाद अगर आप देखें तो कितने इलाकों में बम ब्लास्ट किए गए और उनके पीछे सिमी या दूसरे संगठनों का नाम, इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया और उसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई। हम उस नैरेटिव को क्यों भूल जाते हैं? और मुस्लिम समाज की तरफ से भी ऐसे नेता है जो भड़काऊ भाषण देते हैं, कहते हैं अगर आप 15 मिनट के लिए छोड़ दिए फिर मैं दिखाता हूँ क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये सिर्फ एक पक्ष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आशुतोष जी इस बातचीत को थोड़ा विमर्श की धरातल पर ले चलना चाहता हूँ। इस्लामिक स्ट्रक्चर के भीतर कास्ट के इशू को लेकर के पसमांदा मूवमेंट लगातार काम कर रहा है। तस्लीम जी बैठे हुए हैं, एक बार बहुत असहमत भी हुए थे, उनका एक नारा था कि दलित पिछड़ा एक समान हिंदू या मुसलमान, वो एक बात कहते हैं पसमांदा मूवमेंट के लोग कि एक तरफ ब्राह्मणवाद और दूसरी तरफ सैयदवाद एक खास किस्म के हिंदू मुस्लिम कम्युनल एजेंडा पर काम करता है, जिससे वो लोग बार बार कहते हैं कि उर्दू का सवाल, बाबरी मस्जिद का सवाल या हिस्सेदारी का सवाल। उन्होंने एक आंकड़ा दिया था कि मुझे डिटेल याद नहीं है, कई 100 जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हुआ है 12 या 13 संसद में, 13वीं संसद तक, उनमें जितने मुस्लिम थे उनमें 99% अपर कास्ट मुस्लिम थे। तो एक तो ये एंगल है। दूसरा ये बात, एक मुझे हिस्टोरिकल फैक्ट याद आ रहा है कि अबुल कलाम के समय नेहरू ने एक बात रखी कि भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर जो समाज सुधार होना चाहिए इस पर नेहरू आप कुछ करिए। नेहरू ने एक बात कही कि इस समय देखिए विभाजन हुआ है, तनाव का माहौल है, थोड़ा 10 वर्ष का समय लेते हैं, फिर हम मुस्लिम धर्म के भीतर जो उनके कंफ्लिक्ट हैं, उनके भीतर जो सुधार होने चाहिए थे वो करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। वो दोबारा नहीं हुआ, इसलिए आरएसएस और बीजेपी एक काम कर रही है कि अपने धर्म के सुधार की बजाय दूसरे धर्म में सुधार की बात करती है, इसलिए वो रेडिकलाइज होते हैं। इसलिए जो इस्लामिक कल्चर के भीतर से जो सुधार की आवाज होनी चाहिए थी वो नहीं उभरती है, इसीलिए जो जहां जहां वो बहुसंख्यक हैं वहां उनके चरित्र पर जो जो काम हुआ, जो आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल ठीक बात है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ है इस पर आप नहीं कह सकते,
अल्पसंख्यक थे हिंदू वहां पर, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा, और निश्चित तौर पर आप कश्मीरी पंडित के साथ खड़े होंगे। वैसे ही मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, वहां वो दमन का शिकार होते हैं। दरअसल सांप्रदायिकता एक ऐसे चरित्र का क्षय है जहां जो बहुसंख्यक होगा वो हावी होगा और अल्पसंख्यक के खिलाफ खड़ा होगा। मैं इसमें आशुतोष जी लेकिन एक फिर से ऐड करना चाहता हूं, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कम्युनल राइट और कम्युनल फेनोमेना कश्मीर में एक अलग पैटर्न पर है, हम उसके हिमायती नहीं है, मगर स्टेट कहां खड़ा था, रोल ऑफ स्टेट, ये अगर ऑब्जर्व करें तो शायद कुछ अलग नजर। बट लक्ष्मण जी, अगर आप 1984 के दंगों को देखें तो स्टेट कहां खड़ा था उस वक्त? बिल्कुल दंगे के साथ खड़ा था, मैं तो कह रहा हूं। और उनमें कितने लोग, तो ये कोई नया फिनोमेनन तो नहीं है ना हिंदुस्तान के संदर्भ के अंदर, कि जो आज जिसको विटनेस कर रहे हैं, ये तो 1984 में भी हालत थी। उस वक्त के जो दंगे, जो मुजफ्फरनगर के, जो मुजफ्फरपुर के जो दंगा हुआ था या दूसरे इलाकों में दंगा हुआ था, आज भी वहां के लोगों को न्याय नहीं मिला है। इवन नल्ली का नरसंहार, इवन 89-84 के दंगे हो चुके थे। 89 में कौन गया था अयोध्या से प्रचार शुरू करने, किसने ताला खुलवाया था, बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय किसकी सरकार थी। तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि सारा दोष आरएसएस और बीजेपी का नहीं है। मैं तो सोसाइटी के अपने कॉमन सेंस पॉलिटिकल बिहेवियर दोनों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। इसलिए बतौर नागरिक मेरी जिम्मेदारी यह है कि फिलहाल मैं पहले क्रिटिसाइज करूं कि इस समय सबसे बड़ा दोषी आरएसएस और बीजेपी है, और उसके साथ मुझे फिर से पीछे की चीजों में ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें क्लीन चिट दे रहा हूं, मगर फिलहाल जो चीज हो रही है स्टेट स्पॉन्सर्ड अगर होगा तो यह बहुत भयावह है और ये पीढ़ियों को बर्बाद कर देने वाला है।